सबसे बड़ा खुलासा माया। जी हाँ, और खुलासा ऐसे संतों का, ऐसे लोगों का जो काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा करते हैं। हजारों करोड़ों की तादाद में उनके श्रद्धालु हैं, लेकिन माया के जाल में वो फंसे हुए हैं। वो लक्ष्मी के पुजारी। अब तक हमने आपको दिखाया पायलट बाबा, हमने आपको दिखाए वेदांती महाराज, हमने आपको दिखाए किरीट महाराज। ये तीन बड़े नाम हैं जिनका धार्मिक जगत में जिनकी गहरी पैठ है, जिनको लोग पूछते हैं, जिनके आगे सर झुकाते हैं। और अब वो संत जो भविष्यवाणियां करते हैं लेकिन वो अपना भविष्य नहीं देख सके, हमारे खुफिया कैमरे पर बेधड़क पैसे की बोली लगाते हैं। ये हैं दक्षिण भारत के बड़े धर्मगुरु सूर्यम नंबूदरी, जिन्होंने अपने शिष्य या कहिए दलाल के जरिए हमसे बातचीत की। उनकी टीम है, वो जानते हैं क्या होगा, होने वाला है। कल आज और कल उन्हें दिखा है। लोग कहते हैं उनकी भविष्यवाणियां पत्थर की लकीर बन जाती हैं। उन्होंने कहा था कि शंकराचार्य मिल जाएंगे और ऐसा ही हुआ, लेकिन भविष्य नहीं क्यों खाके लगे हैं। चोर तो कैसे पड़ा हो गया है, इतना भविष्य देख नहीं पा रहे हैं, अपनी शख्सियत पर पड़ता ग्रह नहीं दे पाए, हमारा खूब क्या कहना पाए और अपने लिए आया खजा खुद चले गए। ये है भारत के मशहूर संत सफेद बनाने की 420 चल रही है। सच्चाई का पता लगाने हमें दिल के करेगा तो खुद को हिंदी नहीं आता। ये है लालच का रेट, डिमांड का रेट, धोखाधड़ी का रेट, आस्था के दिखावे का रेट। बातें काले धन को सफेद करने की कमी हो रही है। हमने कहा कि बर्तमानी 10 करोड़ रुपए को मनी में बदलना चाहती है, कितना रेटिंग श्री वयूर सूर्यम नंबूदरी ने 6.5 करोड़ रुपए मांगे, यानी 25 फीसदी का छोटा कमीशन। मोहाव का दौर चला, अगले सप्ताह 2 करोड़ में बदला, लेकिन ये क्या, स्वामी जी ने तो एक बड़ी शर्त सामने दी। आश्रम या पूरी किसी भी एक ब्लैक स्पॉट में मान लगा का लगे आपका मतलब मतलब पैसे नहीं टेबल नहीं तो आप लोग डाल दिए उसमें कोई हो सर तो जी पर ये हमारे मुझे ये तो कर रहे हैं हम भी सर ये और आप मैक्सिमम होना करना पड़ेगा 25 आपने 10 बोला था ना करके 25 बोल 15 में डाल दिया भाई जी सर कोई कोई भी डील होगी हमारा हम ब्लैक अमाउंट आपको देंगे आपको अपना कमीशन काट कर 8 करोड़ रुपए हमें लौटाने का वादा किया। ये भी कहा गया कि पैसे की हमें तैयार रखना पड़ेगा, इतनी रकम से बनाने के लिए जरूर बिल जुटा पड़ेगी जिसमें महीना भर लगता है। सुना आपने, स्वामी सूर्यम नंबूदरी की मौजूदगी में डील कर रहा ये शिष्य पक्का घाघ है। एक सौदा हुआ नहीं कि दूसरे की तैयारी करने लगा। और ये स्वामी जी भले ही इन्हें टूटी फूटी हिंदी ही समझ आती हो, लेकिन ये अपने शिष्य की कारस्तानी, उसकी बोली और सबसे अहम उसके इरादे से पूरी तरह वाकिफ नजर आए। तभी तो काले धंधे के शगुन के तौर पर हमसे 3000 रुपए भी रख लिए। स्वामी सूर्य नंबूदरी महंगी कारों के शौकीन है,
पता ये भी चला है कि उनके पास एक मर्सिडीज के अलावा और भी कई गाड़ियां हैं। एक सन्यासी को मर्सिडीज जैसी कार की जरूरत क्यों पड़ती है ये हम नहीं जानते। शायद आज की तारीख में इनकम टैक्स विभाग वाले ये जरूर जानना चाहें। स्वामी सूर्यम नंबूदरी को करीब से पहचानना चाहें। कहने को सन्यासी लेकिन ठाट बाट राजसी और कमीशन एजेंट भी ऐसे इन्हें कहा जा सकता है। और अगर हम देखें, हम लगातार जो खुलासा कर रहे हैं, सात बाबाओं का खुलासा करेंगे और अब तक जो जो हमने पर्दाफाश किया है, पायलट बाबा वो मांगते हैं 30% कमीशन, वेदांती महाराज 30% कमीशन, किरट महाराज की बात करते हैं वो 40%, और यहां पर सूर्यम नमूदरी साहब वो 25%। मतलब सौदा एकदम खरा है, 25 से 30% सबको चाहिए। 10 करोड़ 5 करोड़ मिनिमम की लोग डील कर रहे हैं और 100-100 करोड़ की 100-100 करोड़ दावा करते हैं। 100 करोड़ भी खा जाएंगे, चटनी बना के खा जाएंगे। बिल्कुल, कोई चटनी बना रहा है, कोई भविष्यवाणियां करता है, अपनी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। ये सिलसिला जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।